नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है। पहले टेस्ट में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन 27 साल के बुमराह ने इस टेस्ट के बाद एक खास रिकॉर्ड की बराबरी की है। यह भारतीय पेशर लिली रोशन बिशप के अनोखे क्लब में शामिल हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट में 4 विकेट लेने के बाद तेज गेंदबाजों में डेनिस लिली, जेफ लॉसन और इयान बिशप के नाम 18 मैचों में इतनी ही विकेट थे। भारतीय तेज गेंदबाजों की बातें करें तो बुमराह ने इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया। पठान के नाम 18 टेस्ट मैचों में 73 विकेट थे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमी हैं, जिनके नाम 66 विकेट थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी। बुमराह ने एबी डिविलियर्स को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट लिया था। अपने छोटे से टेस्ट करियर में बुमराह ने कुछ बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 5 विकेट हॉल रखे हैं और एक हैट्रिक भी बनाई है। जसप्रीत बुमराह के लिए 2019 का वेस्टइंडीज दौरा काफी यादगार रहा था। इटिंगा में पहले टेस्ट में बुमराह ने सबसे कम रन देकर 5 विकेट हॉल लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया था। जमैका के अगले टेस्ट में बुमराह टेस्ट मैचों में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने थे। बुमराह ने वेस्टइंडीज की पहली पारी में डेरेन ब्रावो, समारा ब्रोक्स और रॉस्टन चेस को लगातार गेंदों पर आउट कर हैट्रिक ली थी। हरभजन सिंह ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया, जबकि इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।